अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिकता संबंधी नीति में बदलाव का ऐलान उन्होंने खुद व्हाइट हाउस में किया। अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाले नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में प्रवेश करने का ये तरीका अवैध है और ये नीति बकवास है। किसी भी देश का नागरिक यहाँ आकर बच्चे को जन्म देता है और उसे आसानी से अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। बाद में लोग उसे बधाई देते हैं कि मुबारक हो, आप अमेरिका के नागरिक बन गए हैं। ट्रंप का ये ऐलान चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इसका वादा किया था। तब उन्होंने कहा था कि वो मूल रूप से अमेरिकी निवासी न होने वाले बच्चे को जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता का अधिकार खत्म कर देंगे। इसकी गारंटी अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में की गई है। भारत उन देशों में शुमार है जहां से सबसे ज्यादा अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया जाता है, और ट्रंप के इस ऐलान का भारतीय नागरिकता पर बड़ा असर पड़ने वाला है। भारत के अलावा मेक्सिको और चीन से अमेरिकी नागरिकता के लिए सबसे ज्यादा अर्जी भेजी जाती है। 2018 में आई होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में 50,802 भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिली थी। साल 2016 में ये संख्या 46,188 और साल 2015 में ये संख्या 42,213 थी। वहीं अगर कुल विदेशी नागरिकों की संख्या की बात करें तो साल 2017 में 7,07,265 विदेशी नागरिकों ने अमेरिका की नागरिकता ली। साल 2016 में यह आंकड़ा 7,53,060 था और साल 2015 में 7,30,259 था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।